के साथ गीतांजलि जादौन। योग गुरु बाबा रामदेव का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल बाबा रामदेव ने मुस्लिमों को आतंकी कह दिया। इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बाबा रामदेव ने राजस्थान में मुसलमानों को लेकर आतंकवादी और रेप करने वाले बयान को हवा दे दी, जिसके बाद अब उन्होंने इस बयान पर सफाई दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने विवादित बयान को लेकर सफाई दी। राजस्थान में योग गुरु बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर आतंकवादी और रेप करने वाला बयान दिया था। इस बयान पर बवाल हुआ तो अब योग गुरु ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि मैंने किसी विशेष वर्ग, समूह या मजहब के बारे में कुछ नहीं कहा था, बस कुछ सिरफिरे लोगों के लिए बोला था जो हर समूह, मजहब और समूह में होते हैं। इस बात को कोई अपने ऊपर लेकर सोचता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। दरअसल बाबा रामदेव ने मीडिया से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाह और भगवान एक है, लेकिन धर्म के ठेकेदार ने धर्म के नाम पर अपनी अपनी सहूलियत के लिए समाज के नियमों से खेल खेले हैं। योग गुरु ने कहा कि मैं एक धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हूं और इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। बाबा रामदेव ने शेयर को लेकर बातचीत की, कहा कि देश का शेयर गिरने से 40 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, इसकी कुछ छींटे दूसरों पर भी पड़ती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव सोनीपत जिले के गोहाना में भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस दौरान योग गुरु ने कहा कि 75 लाख लोगों के सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम, जबकि इसमें करोड़ों लोगों ने सूर्य को नमस्कार किया। योग गुरु ने कहा कि हमारे शरीर को स्वस्थ सूर्य रखता है। देश के पीएम मोदी भी रोजाना योग करते हैं और सभी को योग करना चाहिए। फिलहाल बाबा रामदेव का बयान जमकर वायरल हो रहा है।